जिस धरती की महिमा का गायन देवताओं द्वारा हुआ, जिस धरा को असंख्य देवी देवताओं ने अपनी अद्भुत लीलाओं के लिए चुना, जिस धरा को अनगिनत ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या व साधना से सींचा, जिस धरा पर अनन्य वीर व वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमने इस धरती माँ की कोख में जन्म लिया। ज्ञान, विज्ञान, कला व संस्कृति में जगत गुरु का स्थान धारण करने वाली धरा ऋषियों, संतों, शूरवीरों व मातृ शक्तियों की साधना, व्रत और संकल्प की कर्म भूमि को हम शत शत नमन करते हैं। उत्तंग शिखरों, कलकलाती नदियों व सुंदर वनों से आच्छादित ये धरा, जो पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक विभिन्न राज्यों, भाषाओं, जातियों एवं धर्मों को धारण करती है, किंतु इतनी विभिन्नताओं के बाद भी इस माँ की कोख में जन्मने वाला हर सपूत केवल और केवल भारतीय कहलाता है। हरिद्वार अर्थात ईश्वर का द्वार। भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य का ये है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हरिद्वार। ये पवित्र भूमि अनादिकाल से ही मनीषियों एवं महान विभूतियों की मनचाही तपस्थली रही है। यहीं से प्रारंभ होती है चारों धाम अर्थात गंगोत्री, जमुनोत्री, श्री बद्रीनाथ धाम एवं श्री केदारनाथ धाम की यात्रा, हर भारतीय की आध्यात्मिक यात्रा। आदिदेव महादेव भगवान आशुतोष भोले शंकर की जटाओं से अवतरित पतित पावनी पापनाशिनी मुक्तिदायिनी माँ गंगा। गंगा की स्वच्छ निर्मल कलकल बहती धारा में पवित्र स्नान करके प्रत्येक मानव अपने आप को बड़भागी और धन्य मानता है और बार बार इसमें डुबकी लगाने की आकांक्षा रखता है। इसी रत्न गर्भा भूमि ने विश्व के कल्याण हेतु एक अमूल्य रत्न को अंकुरित होने का अवसर दिया। परम पूज्य निवृत्त शंकराचार्य पद्मभूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज ईश्वर रचित एक विशिष्ट आत्मा है, जो सनातन संस्कारों के जीते जागते अनुपम उदाहरण है, जो मनसा वाचा कर्मणा स्फटिक मणि की तरह शुद्ध, स्वच्छ एवं निर्मल है। ये है प्रसिद्ध भारत माता मंदिर। आइए अब स्वामी जी की अनुपम कृति और अनमोल धरोहर भारत माता मंदिर का इतिहास स्वामी जी के ही श्रीमुख से सुने। गुरु जी, भारत माता मंदिर के निर्माण की प्रेरणा आपको कैसे और कहाँ मिली? तो बहुत बार विचार यही आता रहा कि राम, कृष्ण, शंकर, दुर्गा, गणपति, गायत्री, वेद, वो आते कहाँ? यदि आपके पास कोई आधार नहीं है तो आप रखेंगे कहाँ किसी वस्तु को? एक चौकी है आपके पास, उसके ऊपर आप चांदी के बर्तन भी रख सकते हैं, वेद भी रख सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास चौकी ही ना हो तो आप रखेंगे कहाँ? तो इन सब देवताओं ने मन में विचार किया कि अगर जाना है दुनिया में तो कहाँ जाएंगे? तो जाने के लिए उनको भारत माता है। मेरे दृष्टि से सबसे पहला मंदिर इस देश में भारत माता का बनना चाहिए था, क्योंकि भारत माता के कोख में तो आए। जब वेद ने ये कहा मातृदेव भव, तो हमने कभी विचार ही नहीं किया कि माता भारत माता है, तो पहली देवता तो हमारी वो है। तो हमको ये मंदिर बनाने के लिए प्रेरणा स्वयं भारत माता से आई, और उसको बनाने के लिए अब कैसा मंदिर कैसे बनना चाहिए, साधन इतने कम, भूमि इतनी छोटी, मैं सोचता रहा कि ये तो केवल कल्पना और स्वप्न है, इसको यहीं समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ बीज मर जाते हैं धरती के भीतर, और कुछ बीज ऐसे सशक्त होते हैं कि वो अंकुरित होते ही होते हैं। उसमें उस बीज की महिमा होती है जो धरती को चीर कर ऊपर आ जाता है।
मुझे ऐसा लगा कि ये चिंतन का एक छोटा सा बीज जो परमेश्वर ने मस्तिष्क में दिया होगा, कृपा करके उसने ये सब कुछ साधन बनाए और मुझे अचानक एक शिकागो में रहने वाले प्रवासी भारतीय स्थपित से आर्किटेक्ट से मिलना हो गया। मैंने उनको कहा कि भाई ऐसा ऐसा मेरे मन में आ रहा है। उन्होंने कहा हमने महाराज कभी कल्पना भी नहीं की, सोचा भी नहीं कैसे बन सकता है, क्या बन सकता है, ये कुछ हमने नहीं सोचा। आप क्या सोच रहे हैं? मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि जब भारत माता मंदिर बने तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का कोई भी व्यक्ति वहाँ आए तो उसको लगे कि मेरा मंदिर, मैं हूँ इसके भीतर। उसमें रामानुज बोले, उसमें शंकर बोले, वल्लभ बोले, उसमें शिवाजी बोले, में सुभाष चंद्र बोस बोले, उसमें गांधी कहे कि मेरा है। एक गरीब से गरीब आदमी सोचे खड़ा होकर के कि मैं बड़ा भाग्यशाली। मंदिर के सातवें तल पर स्थित 100 दिव्य शिवलिंग युक्त कल्प वृक्ष पद्मासन में ध्यानस्थ भगवान आशुतोष शंकर की रजत मूर्ति, योग आध्यात्म एवं जीवन दर्शन की उच्चता का प्रतिनिधित्व कराते हैं। नटराज शंकर का स्वरूप जीवन में विविध ललित कलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अर्ध नारीश्वर, स्त्री शक्ति, पारिवारिक आवश्यकताओं, परस्पर स्त्री पुरुष की चुंबकीय शक्तियों का दर्पण है। गौरी शंकर गणेश की प्रतिमा सामाजिक, मानसिक, शारीरिक संरचना की प्रतिष्ठा को इंगित करती है। और अब मंदिर के छठे तल पर दर्शन करें। श्रीनाथ जी कृष्ण भगवान के ही स्वरूप के नाथ द्वारा राजस्थान में अनुपम भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हैं। रणछोड़ राय द्वारिका जी स्थित कृष्ण भगवान की लीला का एक स्वरूप है। श्री सीताराम मर्यादा पुरुषोत्तम एवं माता जानकी का मनमोहक दर्शन। लक्ष्मी संग नारायण लक्ष्मी नारायण का दर्शन सांसारिक विधियों का प्रतिनिधित्व करता है। राधा कृष्ण स्त्री पुरुष एक ही तत्व हैं, ये विभाजित नहीं हो सकते, प्रेम की पराकाष्ठा की प्रतिमा। भगवान विश्वकर्मा विश्व के निर्माणकर्ता श्री वेंकटेश के रूप में बालाजी भगवान विष्णु के अनन्य अवतार हैं। स्वामी नारायण के रूप में स्वामी सहजानंद एवं गुणातीतानंद जी प्रतिष्ठित हैं। श्री विट्ठल रुक्मणी जी महाराष्ट्र के पंढरपुर में विठोबा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अब चलें खंड 5 पर। वेद माता गायत्री जी, गंगा माता, आशापुरी देवी माँ, नर्मदा माँ, शैल पुत्री माता, माता ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा माँ, कुष्मांडा माँ, स्कंद माता, अंबाजी माता, अमिया माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, सिद्धिदात्री, हर सिद्धि माता, मीनाक्षी माँ, यमुना माता, माँ सरस्वती जी। अब आदि युगों से जीवंत देवी कलकल प्रवाहित गंगा माँ के विषय में गुरु जी से सुने। हमारे देश में गंगा का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि उसका शब्दों में वर्णन हम नहीं कर सकते। जीवन के प्रारंभ से लेकर और जीवन के अंत तक हम गंगा की महिमा को स्वीकार करके चलते रहे। इतना ही नहीं, जो लोग गंगा का दर्शन नहीं कर पाते उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्रों ने कहा, गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम क्षतरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति।
गंगा गंगा ये शब्द बोलने मात्र से योजना नाम शतैरपि 400 किलोमीटर 400 कोस दूर से भी गंगा का नाम खाली ले ले तो मुच्यते सर्व पापे भ्यो, तो उसके पाप धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। विज्ञान के युग में बात समझ पाना काफ़ी कठिन है, लेकिन आप स्पेस में जाते नहीं हैं, लेकिन चंद्रमा की बात आपको स्वीकार होती है। चंद्रमा के संबंध में चर्चा वैज्ञानिक करते हैं, आप उन पर विश्वास करते हैं। ठीक इसी प्रकार से शब्दों पर विश्वास करते हैं तो जिन लोगों ने 400 किलोमीटर या 400 कोस रहकर प्राचीन काल में गंगा का स्मरण करने के बाद अपने मन की वृत्तियों का परिवर्तन देखा कि उसका स्मरण करने से पाप की वृत्ति समाप्त होती है। मेरा तो मत ये है कि बिना पूर्वाग्रह के गंगा के संबंध में प्रत्येक धर्मावलंबी को कुछ बताने का प्रयत्न होना चाहिए, और यदि उसकी जानकारी लोगों के मध्य बढ़ेगी तो उस श्रद्धा के कारण राष्ट्र के प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गंगा हिमालय से लेकर और गंगा सागर तक जाती है। गंगा की सबसे बड़ी महिमा ये है कि वो सबसे ज़्यादा सेकुलर है। गंगा जब पानी देती है तो शमशुद्दीन के खेत में भी देती है और श्यामलाल के खेत में भी देती है, इसलिए गंगा वास्तव में माता है और ये भारतवर्ष की पहचान है। मैंने 40 देशों का प्रवास ईश्वर की कृपा से किया है और मैं प्रत्येक भारतीय से पूछता रहा हूँ कि आपके यहाँ गंगा जल है क्या? बोले हाँ, हमारे दादाजी लाए थे लेकिन अभी तक बिगड़ा नहीं, 50 साल हो गए उसमें कोई कीड़े नहीं आए, कोई बैक्टीरिया नहीं आया। इसलिए गंगा का अपने आप में ही जल में महत्व है और वैज्ञानिक उसको सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए गंगा की बड़ी महिमा। और गंगा इतनी श्रेष्ठ है कि हम सब लोगों को सबसे बड़ा संदेश देती है कि अगर आपके पास राजा भी आकर आपकी पूजा करता है गंगा माता, और नेपाल के नरेश के साथ बैठकर मुझे पूजा करने का अवसर मिला, वो दिवंगत हो गए, तो उन्होंने मेरे हाथ से सोने के बिल्वपत्र गंगा जी में चढ़वाए और उन्होंने भी चढ़ाए। मुझे लगा कि गंगा जी का हाथ उठेगा, आशीर्वाद देगा, राजन प्रसन्न रहो, लेकिन बड़ा दुख हुआ कि उसके बगल में एक बिहार का बिना पढ़ा लगा किसान मजदूर खखार रहा था और दुर्गंध अपने मुख से फेंक रहा था। मेरी कल्पना थी कि इसको थप्पड़ पड़ेगा और उसको आशीर्वाद मिलेगा, पर गंगा ने हाथ नहीं उठाया, न मारने के लिए और न वरदान देने के लिए। गंगा कहती मैं माँ हूँ, इसलिए नालायक भी मेरा है और लायक भी मेरा है। कुपुत्र हो जाए तो कुचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती, इसलिए गंगा माता तो गंगा माता है। मैंने अपने जीवन में उसका अनुभव किया, इसलिए मेरी आंखें भर आईं। मुझे लगता है श्रद्धा से जो भी गंगा का स्मरण करेगा उसका प्रस्तर हृदय भी द्रवीभूत हो जाएगा, उसकी महिमा का स्मरण करेगा। और गंगा ने कहा तुमको तो कैजुअली मिली, तुमको तो बीमारी के गए और सर्टिफिकेट ले लिया डॉक्टर से और आकाश मना लिया, लेकिन मेरे बेटो मैंने तो जिस दिन बहना शुरू किया आज तक कभी मुझे किसी ने छुट्टी नहीं दी, मैंने अवकाश नहीं लिया, मैं गतिशीलता का प्रमाण हूँ। जो निरंतर गंगा की तरह प्रवाहित रहता है वो पवित्र रहता है, उसका किसी के साथ द्वेष नहीं होता, जो कुछ भी होता उसमें बहता चला जाता है। गंगा प्रेम की प्रदायिनी है, द्वेष की नष्ट करने वाली है, गतिशीलता को देने वाली है, शीतलता प्रदान करती है, रोगों को दूर करती है, पापों को नष्ट करती है, पुरखों को तारती है, व्यक्ति को आत्मबल देती है। गंगा तो गंगा है, गंगा की समानता कोई कर नहीं सकता। भगवती दवती रे नीर मात्रा शनोहम विगत विषय तृष्णा कृष्ण मारा दया सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। निरंतर तरंगायत होने वाली गंगा तुम हमारे ऊपर प्रसन्न हो, देश पर प्रसन्न हो, राष्ट्र का भविष्य सुधरे, विश्व में शांति हो, युद्ध समाप्त हो जाए, प्रेम और प्रेम की एक गंगा बहे, इस गंगा से प्रेरणा मिले और सारे संसार में प्रेम की गंगा बह जाए, इसलिए गंगा का व्यापक स्वरूप सबको ज्ञात हो जाए। बोलो गंगा मैया की जय।
भारत वर्ष के राज्य हिमाचल प्रदेश। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हिमालय की गोद में बसा बर्फीली पहाड़ियों से युक्त हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर भारत वर्ष का प्राकृतिक स्वर्ग एवं देश की सीमा का सजग प्रहरी वैष्णव देवी मां की भूमि जम्मू कश्मीर और लद्दाख। केरला तमिलनाडु देश की सर्वोत्तम जल संपदा एवं हरितिमा का स्वामी केरल तथा धर्म और संस्कृति को कन्याकुमारी समेत समेटे तमिलनाडु। उड़ीसा भगवान जगन्नाथ और श्री सूर्य देव के प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर का अनूठा संगम उड़ीसा। हरियाणा गीता की जन्मदात्री भूमि तथा महाभारत युद्ध का मूक दर्शक गवाह हरियाणा। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड शाहजहां, मुमताज, लक्ष्मीबाई, तुलसी, सूर, कबीर, रैदास का संगम उत्तर प्रदेश तथा भारतवर्ष की धार्मिक आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड। बिहार, झारखंड प्रकृति के खनिज पदार्थों से मालामाल एवं विश्व प्रसिद्ध महापुरुषों की जन्म तथा कर्म भूमि बिहार और झारखंड। पश्चिम बंगाल माँ दुर्गा, माँ काली, रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस की पवित्र भूमि पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा मिजोरम प्राकृतिक संसाधनों से लहलहाते उत्तर पूर्व देश के सजग प्रहरी राज्य त्रिपुरा मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, नागालैंड प्राकृतिक संपदा एवं खनिजों से मालामाल देश की सीमा तथा हरित रेखा के स्वामी अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड। असम मेघालय उत्तर पूर्व क्षेत्र की सीमाओं के सजग प्रहरी चाय तथा पेट्रोल के विश्व प्रसिद्ध उत्पादक असम मेघालय। पंजाब स्वर्ण मंदिर, गुरु गोबिंद सिंह जी, शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय की पवित्र भूमि तथा अन्न उत्पादन में अग्रणी पंजाब। गुजरात द्वारका, सोमनाथ, अक्षरधाम की धार्मिकता, महात्मा गांधी, सरदार पटेल की जन्म तथा कर्म भूमि गुजरात। राजस्थान अति पुरातन इमारतों एवं किलों की धरोहर समेटे मीराबाई, राणा प्रताप की कर्म भूमि राजस्थान। कर्नाटका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ खजुराहो, बौद्ध स्तूप सांची, कवि कालिदास एवं छिप्रा की पवित्र नगरी उज्जैन, नर्मदा के मनमोहक संगमरमरी घाटों एवं घने जंगलों का जमघट मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र भगवान गणेश की कृपा स्थली अजंता एलोरा, एलिफेंटा से सुसज्जित शिवाजी महाराज की कर्मस्थली महाराष्ट्र तथा विश्व पर्यटन स्थलों में अग्रणी गोवा। इसी मंदिर में गद्दी स्वामी जी, वेद भगवान तथा ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी धर्म, गायत्री मंत्र, नवकार महामंत्र के संकेत चिन्ह भी स्थापित हैं। भगवान श्री गणपति गणेश, राम भक्त हनुमान जी, ये संत मंदिर तल है देश के महान साधु संतों, समाज सेवकों, सुधारकों एवं युग परिवर्तन की क्षमता रखने वाली विभूतियों का तल। माँ शारदा मणि साक्षात माँ काली के रूप में जब श्री राम कृष्ण देव से विवाह हुआ तो परमहंस होने से पहले ही स्वामी रामकृष्ण उन्हें मां के रूप में देखने और मानने लगे। प्राणनाथ जी ईश्वर की अनुपम कृपा प्राप्त सामाजिक परोपकार में संलग्न जीवन को धन्य करने वाले स्वामी प्राणनाथ जी। संत कबीर
स्वामी रामानंद से दीक्षित वैष्णव बने। सदुक्कड़ी भाषा में आतताई एवं पाखंडी वर्ग पर हमेशा आघात करते। हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों के प्रिय संत कबीर। महर्षि रविदास, कृष्ण भक्त मीरा के गुरु संत रैदास के भी नाम से प्रचलित, जूते बनाकर अपना जीवन निर्वाह करने वाले संत रविदास। रामकृष्ण परमहंस, दक्षिणेश्वर काली माता के प्रिय उपासक तथा मां काली का साक्षात्कार करने वाले, भाव समाधि में लीन स्वामी परमहंस अपनी पत्नी शारदा मणि से आज्ञा लेकर परमहंस बने और पत्नी को मां के रूप में माना। पीपा जी, स्वामी रामानंद से दीक्षा लेकर देवी के प्रचंड भक्त ने हिंसक पशुओं को भी उपदेश देकर उन्हें अहिंसक बना दिया। स्वामी पीपा जी। महर्षि अरविंद, लंदन के मैनचेस्टर और कैम्ब्रिज से शिक्षित, अंग्रेजों ने अलीपुर बमकांड में जेल भेज दिया। वहीं इन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ, डिवाइन लाइफ, यौगिक साधना, एसे जॉन गीता सहित 15 अमूल्य ग्रंथों के रचयिता। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पट शिष्य, भारतीय आध्यात्म और व्यवहारिक वेदांत के प्रकांड पंडित, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत और भारतीयता का डंका बजाने वाले स्वामी विवेकानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी पूर्णानंद से योग और संन्यास में दीक्षित, स्वामी विरजानंद से वेदों में दीक्षित होकर मूर्ति पूजा, पाखंड और मत मतांतरों में फंसे हिंदुओं को जागृत करने में जीवन समर्पित कर दिया। स्वामी रामदास, छत्रपति शिवाजी के गुरु, आदि शंकराचार्य के 1100 मठ स्थापित किए। इनकी संगठन शक्ति के सहारे मराठों ने अटक पार तक हिंदू ध्वज फहराकर यावनी शक्ति को परास्त किया। महर्षि वाल्मीकि, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। व्याघ्र जीवन से महर्षि तक की अनुपम यात्रा ने ही विश्व को वाल्मीकि रामायण जैसा अमूल्य ग्रंथ दिया। गुरु गोविंद सिंह जी, सिख धर्म के अमूल्य रत्न, भारत माता और देश तथा देश की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु नानक देव जी, सिख पंथ के प्रणेता, मानवीय संवेदना की मूर्ति, जिन्होंने मक्का मदीना जाकर ये सिद्ध कर दिया कि ईश्वर सर्वत्र है। हिंदू मुसलमान दोनों में समान रूप से प्रिय जपू जी के रचयिता गुरु नानक देव जी महाराज। रामानुजाचार्य, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रणेता, 15 वर्ष की आयु में ही शास्त्र परंगत हो गए। जात पात को अस्वीकारते हुए आचार्य यमुनाचार्य के ब्रह्म सूत्र, विष्णु सहस्त्र नाम और दिव्य प्रबंध की टीका पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की। माधवाचार्य, वेदांताचार्य श्री अच्युत प्रेक्ष से दीक्षा लेकर द्वैत मत का प्रतिपादन कर ब्रह्म जगत और जीव तीनों की सत्ता यथार्थ है को सिद्ध किया। श्री वासुदेवानंद सरस्वती, भगवान दत्तात्रेय ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर मंत्रोपदेश किया। उज्जैनी के श्री परमहंस नारायण स्वामी से संन्यास की दीक्षा ली तथा नर्मदा तट पर गुरुनेश्वर में आश्रम बनाकर जीवन व्यतीत किया। श्री रंग अवधूत, 1.5 वर्ष की आयु में पिता से राम मंत्र की दीक्षा लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। गांधी, काका कालेलकर तथा स्वामी आनंद के साथ काम कर निडरता से सत्य के पक्ष में डटे रहे। संत ज्ञानेश्वर, सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है,
इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया तथा ज्ञानदेव नामधारी भैंसे से वेद मंत्र उच्चारण कराया। 15 वर्ष की आयु में ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिखा। संत गुलाल राय जी संत बुल्ला साहेब के प्रिय शिष्य बने, जबकि बुल्ला साहेब बुलाकी राम कुर्मी के रूप में इनकी हलवाही करते थे। उनके उच्च आध्यात्मिक जीवन से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। उदासीन आचार्य श्री चंद्रदेव उदासीन संप्रदाय के आचार्य गुरु नानक जी के ज्येष्ठ पुत्र, योग की चमत्कारिक शक्तियों से जनमानस की रक्षा की। श्री गोरखनाथ जी महाराज गुरु मत्स्येंद्र नाथ की कृपा से जन्मे, नाथ संप्रदाय के जन्मदाता, गोरक्ष कल्प, गोरक्ष संगीता, गोरक्ष सहस्त्रनाम, गोरक्ष शतक, गोरक्ष गीता, गोरक्ष विशिष्टिका, विवेक मातदंड आदि ग्रंथों के रचयिता श्री गोरखनाथ जी महाराज। नरसी मेहता वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, गिरिनार के जंगलों में शिव मंदिर में तपस्या कर साक्षात शिव के दर्शन किए और द्वारका में कृष्ण दर्शन कराए। गोस्वामी तुलसीदास पत्नी रत्नावली से फटकार पाकर श्री राम के चरणों में लौ लगाई और महान कृति रामचरितमानस की रचना कर विश्व में अमर हो गए। हनुमान जी के माध्यम से राम लक्ष्मण के दर्शन किए। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन धारा के प्रचारक श्री केशव भारती के पट शिष्य, इन्हें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की उपाधि से विभूषित किया गया। आचार्य दादू दयाल हिंदी में भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि, गृहस्थ त्याग कर 12 वर्ष तक कठोर तप कर सिद्धि प्राप्त की, दादू पंत के प्रणेता। नामदेव जी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत विट्ठल के परम भक्त, बिसोबा खेचर के शिष्य, मराठी हिंदी में असंख्य गीतों के रचनाकार नामदेव जी। शिव अवतरित श्री संत सदाराम जी साहेब एक महान आध्यात्मिक संत थे। 8वें गुरु संत गोविंद राम साहेब उनके साथ विराजमान हैं। श्री हीर जी बापा ईश्वर का नाम लेकर मनुष्य जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है का मंत्र गुजरात के जनमानस में सिद्ध कर दिया। मानव सेवा ही सच्ची सेवा है के प्रणेता। श्री राम बख्श साहेब मन कर्म वचन से ईश्वर समर्पित, सामाजिक बुराइयों को मिटाने में अपना सर्वस्व जीवन अर्पण कर दिया। महर्षि नवल साहेब नवल संप्रदाय के प्रणेता, नवल पंथ के आधार स्तंभ, भंगी जाति में जन्म लेकर भी साधना सिद्ध की तथा सिद्ध किया कि ईश्वर के यहाँ ऊंच नीच जात पात का कोई अंतर नहीं है। योगेश्वर दयाल साहेब महर्षि नवल साहेब के अग्रणी शिष्य, जिनको श्री नवल साहेब ने अपना उत्तरदायित्व सौंपा और समाधि में लीन हो गए। भक्त श्री सेन जी इनको स्वामी रामानंद के शिष्य कहते हैं। इनकी अचानक भगवत भक्ति के कारण अनुपस्थिति में भगवान ने इनका वेश धरकर राजा की सेवा की। श्री साईं झूलेलाल जी सिंधी समाज के एकमात्र संत को वरुण देव का अवतार माना जाता है। श्री जालाराम जी काठियावाड़ के जन्मे, समाज सेवा तथा जन सेवा के द्वारा आध्यात्म की ऊंची स्थिति प्राप्त की। इनके नाम से बहुत बड़ा सेवा संस्थान चलता है। श्री रसखान जी जिनके रोम रोम में कृष्ण भक्ति समाई थी, कृष्ण भक्ति परंपरा के मुसलमान कवियों में रसखान का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है।
श्री साईं बाबा, सबका मालिक एक के प्रणेता, जाति धर्म से ऊपर मानव सेवा में चमत्कारिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध फकीर शिरडी के साईं बाबा। भगवान श्री महावीर बुद्ध के समकालीन 30 वर्ष की आयु में राजपाट परिवार त्याग कर जंगल में 12 वर्ष की तपस्या के बाद कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर जैन धर्म के प्रचार में जीवन लगा दिया। श्री गौतम बुद्ध एक शव, एक वृद्ध, एक सन्यासी को देखकर वैरागी हो गए, कठिन साधना की, बौद्ध धर्म की स्थापना की तथा सम्राट अशोक को हिंसा से विरक्त कर अपना पट शिष्य बनाया, अंगली माल जैसे हिंसक दस्यु का हृदय परिवर्तन किया। खंड 2 पर मातृ मंदिर में भारत की महान मातृ रूपी नारियों के दर्शन करेंगे। जय देवी चामरवार, केवल 19 वर्ष की आयु में मृत पति की चिता पर जीवित सती होने वाली देवी। कवित्री अड़ाल, अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की आराधना और भक्ति को समर्पित करने वाली दक्षिण की मीराबाई। सती मैत्रेयी, महर्षि याज्ञवल्क की पुण्यात्मा पत्नी, ब्रह्मवादिनी, आत्म तत्व ज्ञाता सती मैत्रेयी। मीराबाई, भगवान कृष्ण की प्रतिरूपा, उन्हीं में समा जाने वाली कवित्री, भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति भाव में विष का प्याला पी लेने वाली मीराबाई। सती सावित्री, मृत पति सत्यवान को यमराज के पार्श से जीवित छुड़ाकर लाने वाली पतिव्रता सती सावित्री। देवी गार्गी, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मवादिनी, विदुषी, वेद पुराणों की कर्मठ विद्वान देवी गार्गी। सती दमयंती, पतिव्रता शिरोमणि दमयंती को देवताओं ने भी पूज्य माना, जिसने सारे संकटों से जूझकर अपने पति को मुक्त कराने वाली साध्वी। सती उर्मिला, जानकी माता की छोटी बहन, लक्ष्मण की पत्नी, जनक पुत्री, पति परायणता एवं कर्तव्य परायणता की पराकाष्ठा सती उर्मिला। सती अनुसुईया, महर्षि अत्रि की पतिव्रता पत्नी, जिन्होंने त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी तपश्चर्या के बल पर विवश कर दिया था कि वो सती के पुत्रों का रूप धारण करे। सती मदालसा, गंधर्व राज विश्व वसु की पुत्री, राजकुमार ऋतुध्वज की पतिपरायण पत्नी, जिन्होंने पति की मृत्यु का झूठा समाचार पाकर प्राण त्याग दिया। सती पद्मिनी, चित्तौड़ के महाराजा रत्न सिंह की पत्नी ने अलाउद्दीन खिलजी की कैद से बहादुरी से लड़ते हुए राजा को मुक्त कराया, परंतु युद्ध में राजा की मृत्यु सुनकर सहस्त्रों स्त्रियों के साथ जीवित जौहर की ज्वाला में कूदकर प्राणांत कर लिया। वीरांगना किरण देवी, राणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री, बीकानेर महाराज पृथ्वीराज की पत्नी, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि नारी अबला नहीं सबला है। एनी बेसेंट, जन्म से आयरिश, पली बड़ी इंग्लैंड में, पर कर्म भूमि बनाया भारत को। काशी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभापति तथा पीड़ित मानवता की सेवा में जीवन पर्यंत लगी रही श्रीमती एनी बेसेंट। भगिनी निवेदिता, आयरलैंड में जन्मी, परंतु स्वामी विवेकानंद के दर्शन से प्रभावित होकर उनसे दीक्षा ली। उन्होंने भारतवर्ष की राष्ट्रीयता अपनाकर विदेश प्रेम का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। अहिल्या बाई होलकर, मांडवा के राजा खांडेराव होलकर की वीर पत्नी, पति के देहांत के बाद मालवा प्रदेश की रानी बनी। कुशल एवं सफल राजनीतिज्ञ और आध्यात्म से युक्त
होलकर परिवार की संरक्षक रहीं। प्रथम खंड में भारतवर्ष की वीर विभूतियों, विद्वानों, वीरांगनाओं के दर्शन का पुण्य मिलेगा। महामना मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के जन्मदाता, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठाता। सरदार पटेल आजादी की लड़ाई के अग्रणी नेता, भारत के प्रथम गृह मंत्री, लौह पुरुष जिनकी दृढ़ निश्चयात्मक शक्ति का कोई पर्याय नहीं। स्वातंत्र वीर सावरकर स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को नाको चने चबवा देने वाले तथा हंसते हंसते काला पानी की सजा काटने वाले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश एवं विदेश में राष्ट्रभक्ति की अलख जगाने वाले। आजाद हिंद फौज के रचनाकार केशव बलीराम हेडगेवार भारत में जब हिंदू और हिंदू संस्कृति विरोधी शक्तियों का दबदबा बढ़ा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करने वाले। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के शस्त्र से अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने वाले मोहनदास करमचंद गांधी। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजपूत वंश के गौरव चित्तौड़ की शान पर अपनी जान न्योछावर करने वाले वीर सेनानी। महाराजा अग्रसेन अग्रोहा हरियाणा में जन्मे दानी शूरवीर समाजवादी एवं अग्रवालों के 18 गोत्रों के जन्मदाता। छत्रपति शिवाजी हिंदुत्व के गौरव, जीजाबाई के सुपुत्र, समर्थ गुरु रामदास के शिष्य, महान योद्धा। रानी अवंतीबाई लोधी देश और आन पर सर्वस्व न्योछावर करने वाली। रानी लक्ष्मीबाई मातृभूमि की उन्मादिनी, वीरांगना, स्वतंत्रता की चिंगारी, अंग्रेजों के लिए साक्षात महाकाली। शहीद भगत सिंह भारत के अग्रणी स्वातंत्र वीर सेनानी, हंसते गाते फांसी का फंदा पहनने वाले, वंदे मातरम के सजीव सपूत। चंद्रशेखर आजाद भारत भूमि पर परतंत्रता की कालिख धोने के लिए क्रांति और विरोध के घोर समर्थक, वीरवर क्रांतिकारी। हेमू कलानी क्रांति दल की स्वराज सेना के स्वाभिमानी सदस्य, मातृभूमि मुक्ति आंदोलन के अग्रणी, हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। अशफाक उल्ला खां राष्ट्रभक्ति में अग्रणी, भारत माता की गुलामी की बेड़ियां काटने में अग्रसर क्रांतिकारी, खिलखिलाते हुए फांसी पर चढ़ गए। आइए चलें फिर स्वामी जी के सानिध्य में। गुरु जी भारतवर्ष का महत्व क्या है? भारत का अर्थ होता है जो ज्ञान में लगा हो, भावित ज्ञाने रताह संलग्ना। महाराज मनु ने भारत के संबंध में कहा कि देश कैसा है, एतद् देशः प्रसूतस्य, इस देश में उत्पन्न होने वाला कोई भी व्यक्ति। आप देखिए कितनी बड़ी उदारता इसमें, इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ नहीं कहा गया। इस धरती पर जो भी उत्पन्न होता है, एतद् देशः प्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनः, लेकिन जो इसमें अग्रजन्मा लोग हैं वो ऋषि हैं, उनको उन्होंने ऋषि भी शब्द नहीं कहा, अग्रजन्मा कहा। सकाशात उनके नज़दीक बैठने वाले लोग। भारतवर्ष की सबसे बड़ी पहचान ये, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा, सारे संसार के लोगों को भारतवर्ष चरित्र की शिक्षा देता है। इसलिए भारत जिस देश में इतने ज़्यादा बलिदानी हुए कि उनसे हम परिचित नहीं हो पाए, इतने अनाम संत हुए कि जो कुछ देकर गए वो क्षेत्रीय बनकर रह गया और राष्ट्रीय दृष्टि से लोग उनको नहीं जान पाए। लेकिन मैं सोचता हूँ गीता में एक छोटा सा शब्द आया है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। धर्म का छोटे से छोटा आचरण भी व्यक्ति को बहुत बड़े भय से बचाता है। इसलिए मुझसे बहुत बड़ा काम नहीं हो सका, इसकी कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन स्वल्पमप्यस्य छोटे से छोटा जो काम हुआ उसमें से जितने लोगों को हम यहाँ स्थापित कर सके
उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सके वो मेरे लिए बहुत आनंददायक है। लेकिन बहुत बड़ा काम शेष है, मेरे बाद में किसी के मन में फिर भगवान उतनी भावना उतनी ही श्रद्धा उत्पन्न करें कि इससे भी बड़ा कोई भारत माता मंदिर कहीं बने और सैकड़ों लोग जो शेष बच गए उनकी भी प्रतिमाएं वहां आए। ये ईश्वर के प्रति मैं प्रणत हूं कि इस मंदिर से प्रेरणा प्राप्त करके छोटे छोटे मंदिर बनने लगे। एक व्यक्ति ने 108 मंदिर गुजरात में बनाने का संकल्प लिया है और मुझे उसकी कल्पना बहुत अच्छी लगी कि मंदिर अलग कुछ नहीं बनाता, जिस मंदिर में जाता है कहता है मंदिर तो बना ही हुआ है, इस मंदिर के बगल में एक छोटा सा मंदिर बना दो और उसमें भारत माता की प्रतिमा रख दो। और 12 मंदिर बना चुका वो गृहस्थ आदमी है, अपने लिए जीता नहीं है, पत्नी बड़ी संतुष्ट है, कहते घाने भर का अपने पास खेती में से अनाज आ जाता है, कुछ दुकान का किराया आ जाता है, तुम पूरे भारत माता के लिए समर्पित हो जाओ। तो वो हमारे संकल्प को छोटे छोटे गांव में लेकर चल पड़ा है। मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य ये मंदिर उसकी प्रेरणा का स्रोत बन जाए और पूरा देश, अगर भारत माता मंदिर सैकड़ों की संख्या में हो तो आप निश्चित मानिए कि भारत का चरित्र ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस समय आराध्या हमारी भारत माता होगी, भगवान की पूजा करेंगे, मन में विश्वास रहेगा भारत के प्रति, तब मन बार बार कहेगा कि भारत का नागरिक हूँ, इसलिए मेरे जीवन में कुछ श्रेष्ठ होना चाहिए। तो भारत माता मंदिर मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार मिटाने में भविष्य में बहुत सहायक होगा। आज नहीं हो पा रहा होगा लेकिन कल आने वाला कल ऐसा होगा जिसमें लोग अपना आत्मचरित देखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना की प्रबल इच्छा पूर्ति हेतु स्वामी जी के संरक्षण में समन्वय सेवा ट्रस्ट तथा इसी क्रम का विस्तार करते हुए भारत माता जनहित ट्रस्ट तथा स्वामी सत्यमित्रानंद फाउंडेशन सुचारू रूप से संचालित हैं। जैसे अन्न क्षेत्र में क्षुधा शांति उद्देश्य से आश्रम में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति एवं साधु जनों को प्रतिदिन व्यवस्थित भोजन, समुचित दक्षिणा का प्रावधान सुचारू रूप से प्रतिपादित होता है। स्वास्थ्य संरक्षण के लिए समुचित संसाधनों एवं सुविधाओं से युक्त विनोबा भावे भौतिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र, जिसमें योग्य चिकित्सकों एवं आपातकाल के लिए कई एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। गौ माता की धार्मिक, सामाजिक एवं जीवन उपयोगी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक विशाल गौशाला और उसका सुचारू संचालन, बालकों को सनातन गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था से संचालित समन्वय वेद विद्यालय, नए युग की नई पौध आधुनिक बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षण व्यवस्था से युक्त स्वामी सत्यमित्रानंद इंटर कॉलेज की स्थापना एवं सुचारू रूप से परिचालन, ट्रस्ट की सामाजिक क्रियाकलापों को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्रिका के निरंतर प्रकाशन की व्यवस्था, वृद्धजनों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखते हुए उत्तम निवास की व्यवस्था,